हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर परमजीत कुमार, जो पंजाब के लिए खेले, नेशनल टीम में खेले और NIS में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से खेले, और एक चोट के बाद ऐसा पलटा जो है ज़िंदगी में आया कि पीछे रह गए बैच आगे बढ़ गया। जो बैच आज हॉकी खेल रहा है, नेशनल हॉकी टीम में जो प्लेयर हैं उनके उनके साथ ही रहे। तो मुझे पता चला मीडिया से कि एक मंडी में, अनाज मंडी में पल्लेदारी कर रहे हैं, तो दिल को दुख हुआ। खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, कम से कम अगर पिछली सरकारों ने ध्यान दिया होता तो ये हालत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे हाथ में लोगों ने विश्वास के साथ एक पेन दिया है, तो परमजीत कुमार को जो मेंटली उनको टॉर्चर होते होंगे वो खुद, कि यार मैं किस काम के लिए बना था, क्या काम करना पड़ रहा है, तो कम से कम उससे मैं उतार सकता हूँ। तो इनको ग्राउंड में दोबारा लेके आ रहे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इनको मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ। और वैसे तो एक एक तारीख का इनका ज्वाइनिंग है, लेकिन ये अभी 6 तारीख को सोमवार को बठिंडा में ज्वाइन करो और ग्राउंड में वापस आओ। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पल्लेदारी करोगे, देश के लिए खेले, लेकिन चोट किसी के हाथ में नहीं होती, लग गई तो लग गई, लेकिन आपके जो स्किल्स हैं हॉकी के वो तो नहीं भूले ना उस चोट की वजह से। चोट तो अंगूठे में लगी है ना, तो आपके जो हॉकी के स्किल्स हैं उनको हम ग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे। और मैं उम्मीद है पूरी कि तुसी ग्राउंड के विच दोबारा जाके दुगनी मेहनत ना काम करोगे, तो होर बच्चे जिहड़े नर्सरी जिहड़ी हॉकी दी आपां नूं कहा जांदा, बहुत सारे नेशनल टीम वास्ते भी तैयार करोगे। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल अज तुहानूं ग्राउंड दे विच दोबारा एक जॉब दे तौर ते स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे विच ऑफर की है। अगे तुसी थोड़े पढ़ाई भी नाल नाल कर लियो तां तुहाडी जिहड़ी है प्रमोशन भी नाल नाल होंदी। हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर परमजीत कुमार, जो पंजाब के लिए खेले, नेशनल टीम में खेले और NIS में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से खेले, और एक चोट के बाद ऐसा पलटा जो है ज़िंदगी में आया कि पीछे रह गए बैच आगे बढ़ गया। जो बैच आज हॉकी खेल रहा है, नेशनल हॉकी टीम में जो प्लेयर हैं उनके उनके साथ ही रहे। तो मुझे पता चला मीडिया से कि एक मंडी में, अनाज मंडी में पल्लेदारी कर रहे हैं, तो दिल को दुख हुआ। खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, कम से कम अगर पिछली सरकारों ने ध्यान दिया होता तो ये हालत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे हाथ में लोगों ने विश्वास के साथ एक पेन दिया है, तो परमजीत कुमार को जो मेंटली उनको टॉर्चर होते होंगे वो खुद, कि यार मैं किस काम के लिए बना था, क्या काम करना पड़ रहा है, तो कम से कम उससे मैं उतार सकता हूँ। तो इनको ग्राउंड में दोबारा लेके आ रहे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इनको मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ। और वैसे तो एक एक तारीख का इनका ज्वाइनिंग है, लेकिन ये अभी 6 तारीख को सोमवार को बठिंडा में ज्वाइन करो और ग्राउंड में वापस आओ। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पल्लेदारी करोगे, देश के लिए खेले, लेकिन चोट किसी के हाथ में नहीं होती, लग गई तो लग गई, लेकिन आपके जो स्किल्स हैं हॉकी के वो तो नहीं भूले ना उस चोट की वजह से। चोट तो अंगूठे में लगी है ना, तो आपके जो हॉकी के स्किल्स हैं उनको हम ग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे। और मैंने उम्मीद है पूरी कि तुसी ग्राउंड के विच दोबारा जाके दुगनी मेहनत ना काम करोगे, तो होर बच्चे जिहड़े नर्सरी जिहड़ी हॉकी दी आपां नूं कहा जांदा, बहुत सारे नेशनल टीम वास्ते भी तैयार करोगे, हाँ जी, हाँ जी, तो अज तुहानूं ग्राउंड के विच दोबारा एक जॉब दे तौर ते स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे विच ऑफर की है। अगे तुसी थोड़े पढ़ाई भी नाल नाल कर लियो तां तुहाडी जिहड़ी है प्रमोशन भी नाल नाल होंदी।